तूने मुझे धोखा दिया है। तू जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं तुझे मार डालूंगा। यार मेरा मोबाइल नीचे गिर गया है, लाकर देगा क्या? प्लीज अभी जाता हूँ यार। जो बियर तू पी रहा था उसमें जहर मिला दिया मैंने। ए, तूने किया? क्यों किया? क्यों? तेरे खाने से लेकर तेरे पहनने तक, यहाँ तक कि हॉस्टल का फीस भी, और ये जो चड्डी तूने पहनी है वो भी मेरा ही दिया हुआ है। अरे सब कुछ तूने ही दिया है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने धोखा दे दिया मुझे, इसीलिए, बस इसीलिए मैंने तेरे बियर में जहर मिलाया। तेरे जैसे धोखेबाज को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। यार जिंदा ही नहीं रहने का, जिंदा ही नहीं रहने का। और इसीलिए जो तूने मेरे लिए जहर मिलाया था उसे मैंने बदल कर तेरे लिए रख दिया। सॉरी यार। संध्या कहाँ गया तेरा पति? उसे एक जरूरी बात बतानी थी। जब देखो स्टेट चला जाता है, अगर जरूरी बात हो तो किसको बताऊं? पूर्णिमा मर गई ना, उस सदमे में अपने कार्तिक ने
खुदकुशी कर लिया। कार्तिक के साथ क्या किया तुमने, बताओ मुझे। ए, क्या किया उसके साथ, बताओ बताओ मुझे, क्या किया, क्या किया कार्तिक के साथ, बताओ बताओ मुझे, बताओ ना। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, उसको आगे की इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाओ। इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, चलो पहले एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को मॉर्चरी भेजो, आगे क्या करना है बाद में बताता हूँ। पब्लिक को क्लियर करो, पब्लिक को क्लियर करो। ए, चलो यहाँ से निकलो, चलो आगे जाओ, चलो बढ़ो, तमाशा हो रहा है क्या। ए, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ जाओ, यहाँ तमाशा हो रहा है क्या। कल कोर्ट में आना गवाही देने के लिए, समझा। देखो कोर्ट का नाम सुन के कैसे भाग रहे हैं, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। गांव जाने से पहले तुम दोनों बाहर जाकर आओगे ऐसा बोल कर गए थे ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ कार्तिक मेरा बेटा, कार्तिक ये क्या हो गया बेटा। भगवान ये क्या दर्द हो गया। सॉरी सर, सॉरी, आपसे मुझे अकेले में बात करनी है, प्लीज कोऑपरेट मी प्लीज। आप कोडाईकनाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके घर में एक के बाद एक घटना होने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, एंड इट्स अ क्लियर केस, ये पक्का सुसाइड का केस है। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। मेरा और मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं है सर। सर एम्बुलेंस बस आने वाली है, बॉडी को मॉर्चरी में भेज दो, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। किसी को खाना नहीं खाना है क्या, जो हो गया उस बारे में सोचकर कब तक भूखे रहोगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्या, खाना खाइए, खाना खाइए आप लोग पापा, ऊपर वो भी तो भूखी होगी ना, मैं उसे खाना देकर आता हूं। संध्या, ये सांबर है, ये रसम है और ये खाना है। हे, ये क्या है संध्या, नींद की गोली है। ओ, सुसाइड करना चाहती हो। कर लो कर लो कर लो। संध्या, ये करीब 20 गोलियां हैं, ये तुम खा लो, मरने में 2-3 घंटे लगेंगे, मेरे लिए इतना काफी है, मुझे जो अपनी लाइफ में एक बार करना है वो मैं कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लेटकर मर जाऊंगा, क्या होगा जरा सोचो ना, तुम्हारा पति भी खुदकुशी कर लेगा, पूरी दुनिया सोचेगी कि हमारा अवैध संबंध था, जिस परिवार के लिए तुमने इतने सारे कष्ट उठाए वो सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, खाओ खाओ,
सारी गुड़िया खा लो, खा लो ना, खा लो तुम। अब क्या हुआ, खाओ ना। अब क्या हो गया, तुम मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। टेंशन मत लो संध्या, मैं हूँ ना तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखने ही तो यहाँ आया हूँ, इसलिए तो इतना कष्ट उठा रहा हूँ। जो मर रहा है मरने दो, सिर्फ तुम्हारा पति बचा है उसे भी मैं मार दूंगा। उसके बाद सिर्फ मैं और तुम, हाँ, लेकिन उसे अभी मारा ना तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन बीत जाने दो, उसके बाद मारूंगा। तब तक तुम शांत रहो, उसके बाद हम खुशी से जी सकते हैं संध्या।